Hello friend, myself Robin Singh. Welcome to my blog on YouTube. Today I'm going to upload this particular video. Today I'm going to give you a review of Barnett Jackal crossbow, hunting crossbow. The owner of this crossbow is in front of you in the video. Vivek Singh Gautam. Vivek ji, ye apne crossbow mangwaya kahan? India mein kahan se mil gaya hai bataiye? हाँ वही क्वेश्चन जो मैंने पूछ लिया आपसे। वही एक हमारे फ्रेंड है, अमेरिका में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्हीं के थ्रू हमने मंगवाया था। तो इंडिया में मतलब वो तो फिर अमेरिका से मान लीजिए आया है तो कस्टम ने इसको अलाउड कर दिया, क्योंकि ये तो बहुत ही खतरनाक है। इंडिया है ऐसा, कस्टम ब्रोकर भी बहुत है। बहुत से तो मेरे ख्याल से इसमें आपने कोई शिकार विकार किया है अभी? छोटे मोटे मतलब जो जानवर रात को, सियार, लकड़बग्घा? बस इसी टाइप के कुछ। नहीं, बहुत बहुत सही, बहुत सही। तो सर इसके बारे में काफ़ी डिटेल मेरे को अपने दर्शकों को बताना है। इस क्रॉसबो का रेंज कितना होगा? रेंज इसकी स्टेट में लेंगे तो आप 200 मीटर 200 मीटर स्ट्राइक करेगा। जी, जी। बहुत सही। और इसका तीर थोड़ा दिखलाएंगे किस तरह का है दर्शकों को हमारे? बस बस बस, मैं यहीं से जूम कर रहा हूँ। अरे बहुत ही खतरनाक टाइप का है सर ये तो, पूरा ब्लेड है, मेटल है, बिल्कुल प्योर मेटल। तीर तो कार्बन फाइबर जैसा दिख रहा है। ये ब्लेड आप चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, ब्लेड अपने सुविधा के अनुसार लगवा सकते हैं जी। तो ये तो बहुत ही खतरनाक है सर। एनीवे, तो इसको चलाते कैसे हैं एक बार हमारे दर्शक देखें। क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, कर सकते हैं ट्राई। चलिए मैं कोशिश करता हूँ किस तरह से इसको लूट किया जाता है और किस तरह से इसको चलाया जाता है अपने दर्शकों को बताने के लिए। फ्रेंड आप देख सकते हैं इसका वेट, ये आपको दिखा रहे हैं हमारे कैमरा में। ये लिखा हुआ है बार्नेट, बार्नेट कंपनी का है ये जैकल, और टेलीस्कोप आपका स्नाइपर कंपनी का है जैसा कि आप देख रहे हैं। मेरे ख्याल से सामने का यदि आपको देखना है तो कैमरा को यदि आप यहाँ पास में लाएंगे तो आप इसमें देख सकते हैं। दिख रहा है कुछ सामने का व्यू? पास लाते जाइए या जूम कर लीजिए। दिख रहा है बीच का एरो? तो बहुत ही मेरे को तो परफेक्ट लग रहा है। अब इसको लोड कैसे किया जाए ये देखना है। कॉशन दे दिया है यहाँ, एडजस्ट लिम बोल्ट वेट पर सेट एट फैक्ट्री। तो ये इसका तीर है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसके बारे में कार्बन फाइबर है, अनब्रेकेबल, फोकस इसमें रखिएगा। इसको सबसे बड़ी बात यहाँ से हम खोल सकते हैं। ये आपका 50 ग्रेन का ये तीर है, इसको फोकस में लीजिएगा। 50 ग्रेन का पूरा शार्प ब्लेड है। जब ये तीर घूमते हुए कहीं से जाता है, फुल मेटल, बहुत ही ज़्यादा ये घूमते हुए जाता है, बहुत ही ज़्यादा ये हर्ट करता है यदि किसी को भी आप मारेंगे तो। पूरी तरह से लगता है राउंड करके पूरा इसकी नसें कट जाएंगी। खासकर हंटिंग और सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। और जैसा कि विवेक जी ने हमें बताया कि लाइसेंस की इंडिया में ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ यूएस में इसके लिए लाइसेंस लगता है, क्योंकि ये एक तरह से वेपन है। आप देख सकते हैं ये वेपन है पूरा। इससे 5-6 आदमी यदि सामने में खड़े हैं एक लाइन से, ये तीर में इतनी क्षमता है, यहाँ जूम दीजिए, तीर में इतनी क्षमता है कि ये 4-5 आदमी को छेद के बाहर निकल सकता है। ये पूरा फार्म हाउस है इनका, ये पूरे यहाँ सरसों हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन। इधर गेहूँ है, ये इनके फ्रेंड हैं, विवेक जी के एक फ्रेंड हैं यहाँ पे, इनको फोटोग्राफी का बहुत शौक है। इधर थोड़ा जूम करिए, डी एस एल आर लेके खड़े हैं। और पीछे वाले एक फ्रेंड यहाँ भी खड़े हैं, इनको भी यूट्यूब में देख लीजिए, ये गाना बहुत सुनते हैं, दिन भर इनके कान में कुछ ना कुछ लगे रहता है। तो इसको लोड किया जा रहा है, यहाँ पे मैंने पैर फंसाया जैसा कि उन्होंने बताया था, और ये तीर को हम बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा थोड़ा एक बार ले लीजिए इधर सामने से, ताकि दर्शक सब जान सकें इसको लोड कैसे करना। पैर यहाँ पे फंसाया जाता है, और इसके बाद इसको खींचना है, और ये खींच के दिखाएंगे आपको हमारे मित्र। आगे पकड़ो, यहाँ पैर डालो, ठीक है, ताकत लगाना। अच्छे से लो इस वीडियो को, दिखाओ दर्शक, एक हाथ यहाँ पकड़ो, दोनों हाथ एक हाथ ऊपर पकड़ो, अच्छे से पकड़ो, बनाओ, अब ले अच्छे से यहाँ पर पूरा जूम लेना। ठीक है, यहाँ से हमको खींचना है इसको यहाँ तक,
कोशिश करो, क्या रहा है, नस मत तोड़वा लेना। अब आप समझ सकते हैं कि कितना पावर लग रहा है। क्या लग रहा है आपको, ताकत लग रहा है? बहुत लग रहा है। चलिए हम पैगाम कर लीजिए, कैमरा पकड़ लिया थोड़ा। तो यदि हमको यहाँ तक खींचना है, दिखा रहे हो जूम लेके, यहाँ से इस स्ट्रिंग को यहाँ तक खींचना है, लिए जूम, तो ताकत बहुत लगता है। अब ये लोड हो चुका है जैसा आप देख सकते हैं। और था सिंगल वाला, जैसा कि आपको मैंने बताया, अब इस तीर को जिसमें सामने आपका 200 ग्रेन का बुलेट लगा हुआ है, तो इसको हम ट्राई मार के देखते हैं। ये ब्लू वाला भाग नीचे रहेगा, इसके बाद ये इधर गया और ये चला गया सीधे। सेफ्टी अभी लॉक है। टेलीस्कोप का के बारे में उतना भी जानकारी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है हमारा टारगेट है, बता रहा हूँ मैं आपको टारगेट, ठीक, हमारा टारगेट है, मैं बोल चुका हूँ। अरे यार पॉज नहीं किया, तू कंटिन्यू है, ठीक है ठीक है, ये टारगेट है हमारा, ठीक है, इस पर हमको शूट करना है। कितना मीटर होगा यहाँ से, कम से कम यहाँ से आराम से होगा, काफ़ी है, मतलब यदि हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये हमारा टारगेट है, ले। ये है सेफ्टी लॉक जिसको मैंने हटा दिया है। यार दो चीज़ ध्यान देना ना अच्छे से, क्या तीर मिलेगा नहीं चल जाता है, तो ठीक है ठीक आ जाता है, ध्यान देना कि कहाँ जा रहा है, ठीक है, पक्का ना? हाँ। हम उस पेड़ को मारने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, रेडी, यहाँ से दिखा दे कैमरा में टारगेट। ओके आ गया, हाँ पेड़ से आगे गया थोड़ी किनारे, कंफर्म, हाँ तीर तो दिखाई नहीं, पॉज कर ले, बहुत ही बेहतरीन शॉट था, बस प्रॉब्लम ये है कि इतनी स्पीड रहती है इन सब एरोज में, 600 फीट पर सेकंड की स्पीड से वर्नेट जैकल से फायर हुआ था जो कि सीधे उस पेड़ में लगा। एनीवे वो बढ़ता जा रहा है वीडियो। तो विवेक जी ये सब क्या है, सरसों, गेहूं और सरसों, बहुत सही बहुत सही, तो ये मार किया ना इसने, हाँ तो एम सही है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको एम लिया था, देखो मैंने इसको एम लिया था, ठीक है, कहाँ पड़ा, वहाँ थोड़ा बहुत मेरा हाथ गिर गया हो गया, ये साइड से पड़ा, आप मार देख सकते हैं कितना खतरनाक है इसका, मैंने इसको एम लिया हुआ था, वहाँ से पड़ा, मतलब एक जानवर को आपको मारना है तो उतना दूर से वो कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू बहुत बहुत, आपने मुझे चलाने का मौका दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीर वापस आ चुका है, दिखाएंगे जरा इसका, इसमें कोई डैमेज तो नहीं हुआ? अब देखिए इतना स्ट्रांग है कि इसके बाद ये आगे जाके मिट्टी में गड़ गया था, यहाँ पे इसने मार किया हुआ है यहाँ से छेदते हुए। यदि ये पेड़ बीच में नहीं रहता, मैंने इसको एम किया था, तो ये तीर का मिलना बहुत ही मुश्किल था। Thank you friend, thanks a lot for watching this video, please subscribe and like. Ravindra Singh, any suggestion is most welcome.